स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास ऑफ मैथ्स सब्जेक्ट. इन फर्स्ट क्लास इन योर सिलेबस द फर्स्ट यूनिट हेयर वी गो. फर्स्ट टॉपिक इज सेट. नाउ वी डिफाइन सेट इज ए वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मे बी एनी काइंड ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल्स एक्सेट्रा. मतलब कहने का मतलब है सेट क्या है. सेट आपका अलग अलग एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है. उसको हम क्या सेट बोलते हैं. जैसे कि आपके ऑब्जेक्ट में कलेक्शन ऑफ शुड बी रिटन एज. जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो आपको क्या करेंगे, ब्रेसेस में लिखे जाते हैं, कर्ली ब्रेसेस में उनको लिखा जाए. ये एक शुड बी मतलब मस्ट है लिखना. तो जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं, जैसे कि आपका 1, 2, 5, 8 and 10, ठीक है. ये क्या है, सेट ऑफ नंबर्स. नंबर्स कितने नंबर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ लिख सकते हैं 5 नंबर. ये 5 नंबर का क्या है, सेट है, ठीक है. एक और ले सकते हैं ए ई आई ओ यू. ये क्या है, सेट ऑफ बॉबल्स, ठीक है. तो हम कह सकते हैं नंबर्स हों, बॉबल्स हों, अल्फाबेट हो, उनका जो एक सेट होगा, मतलब अलग आपस में मिक्सअप कर देंगे तो क्या कहलाएगा, तुम्हारा एक सेट कहलाएगा, ठीक है. इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं वो हम आपको कराते हैं. आई विल गिव यू 1 मिनट टू कॉपी दिस. पॉज कर दीजिए सर, ठीक है. इसमें आपके 5 मेन ऑपरेशंस होते हैं. पहला ऑपरेशन आपका होता है यूनियन का. यूनियन इसको हम बोल सकते हैं ऑल, यानी कि सभी, हिंदी में सभी, ठीक है. इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास ए है 1, 2, 3, ओके. नाउ बी है आपके पास 4, 5 and 2, 4, 5, ओके. तो ए यूनियन बी आपका क्या होगा, मतलब क्या होता है, ऑल सारे एलिमेंट्स आपके ए और बी के. बस ध्यान ये रखना है जो मैच हो रहे होंगे दोनों में कॉमन होंगे वो 2 times नहीं लिखे जाएंगे. तो यहाँ 1, 2, 3 पहले में ए 1, 2, 3. नाउ बी में देखते हैं हम 2, 2 हमारा आपका आ चुका है पहले ही, इसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है. कितने एलिमेंट्स बचे हैं हमारे पास, 2, 4 and 5. तो 4 and 5. तो पहला ऑपरेशन में हमने क्या देखा, ए यूनियन बी, सारे एलिमेंट्स ए और बी के, ठीक. नाउ सेकेंड ऑपरेशन, आपका है इंटरसेक्शन का. इंटरसेक्शन, ठीक है. इसका मतलब होता है कॉमन, कॉमन जो दोनों में कॉमन होंगे, ए और बी में जो कॉमन होगा एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट आपके. जैसे ए में फिर से ले लेते हैं हम 1, 2, 5, 6 मान लो है, और बी के साथ आपका है 2, 5, 6 and 8, ओके. तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन इसमें क्या है, 2 and 5, 2 and 5. तो 2 and 5 आपका क्या हो जाएगा, कॉमन. ये आपका पहला ऑपरेशन यूनियन, सेकेंड ऑपरेशन आपका इंटरसेक्शन, ठीक है. थर्ड ऑपरेशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. प्रोडक्ट ऑफ टू ए में कोई वैल्यू है 1, 2, 3, ओके. एंड बी में वैल्यू आपकी है 2, 3, 4. तो ए प्रोडक्ट बी, यानी कि ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को बी के सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे. तो पहले 1 के साथ में 2, 1, 2, ये आपको इस तरह से लिखा जाएगा, ना कि इस तरह लिखा जाएगा 1, 2 या 2 या 2, 3 या 6, ये रॉन्ग फुल है, ठीक है. आपको क्या रहेगा, 1 और 2, नेक्स्ट 1 के साथ 3, नेक्स्ट 1 के साथ 4, नेक्स्ट 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 3 के साथ 2, 3 and 3, लास्ट 3 and 4. ये आपका क्या है, ए क्रॉस बी, ए प्रोडक्ट ऑफ बी. क्वेश्चन में कभी भी पूछता है बी क्रॉस ए, ये भी आप निकाल सकते हो. इसमें क्या होगा, जैसे आपने ए क्रॉस बी निकाला है वैसे ही हम बी क्रॉस ए निकालेंगे, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, प्रोडक्ट 3 का 1 के साथ, 3, 3, 4, 1, 4, 2, लास्ट 4 और 3.
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कराएंगे। इसमें क्या होगा, इसकी डेफिनेशन लिख दें फटाफट। इट इज नाउ ये फोर्थ ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, यानी कि आपका नेगेटिव, उसको हो सकते हैं नेगेटिव या अब्सेंट। अब्सेंट मतलब जो मौजूद नहीं है आपका, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सिंपल, इट इज़ ऑलवेज डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू द यूनिवर्सल सेट यू। यूनिवर्सल सेट आपका यू से डिनोटेड होता है, और यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स आते हैं यूनिवर्सल सेट में। जैसे कि आपका यूनिवर्सल सेट यू है, इसे 1 से लेकर के 10 तक एलिमेंट दिए गए हैं। ये आपका आगे जा सकते 20 तक भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन सारे सेट यूनिवर्सल में सारे एलिमेंट्स आएंगे, वो आपका यूनिवर्सल होगा, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, ये यू के रिस्पेक्ट में ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका होता है ए की पावर ऑफ सी, ठीक। यू के एलिमेंट दे रखे 1 से लेकर के 20 तक, ओके। ए की वैल्यू आपको 1, 2, 3, 6, 7, 10 है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट सी, सी ए का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करते हैं हम लोग, ए में जो वैल्यू, जो एलिमेंट, जो ऑब्जेक्ट आपके हैं, उनको ना लेकर के जो आपके यूनिवर्सल सेट में रहे हैं उनको लिखना होता है। यानी कि जो ए में अब्सेंट हैं आपके यूनिवर्सल को देखते हुए, जो ए में अब्सेंट हैं, यहाँ पर 1, 2, 3 आपके हैं, ठीक। क्या नहीं, यहाँ पर 4, 5 नहीं है, 4, 5, 6, 7 है, 6, 7 है, क्या नहीं है, 8 नहीं है, ओके, 10, 9 नहीं है, 10 है, 10 नहीं लिखना है। ऐसे अप टू 7 कितने हैं आपके, सब 20 तक हैं, यानी कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, ओके। ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया। नाउ फोर्थ ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का इन द सेंस कह सकते हैं हम, दो सेट्स का आपस में डिफरेंस क्या है, मतलब कि ए माइनस बी निकालने को कह दे कोई। तो अगर हमारे पास मान लो ए की वैल्यू 2, 3 है, ए में 2, 3 है, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, वी में आपका 3 और 4 है, ओके। तो हम ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, वो एलिमेंट जो आपके ए में तो हों बट बी में ना हो और कॉमन भी ना हो। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर नहीं है, तो 2 हमने आपको राइट डाउन कर लिया, 3 आपका कॉमन है दोनों में, तो ये आपका निगलेक्ट हो जाएगा, ठीक। और 4 आपका इसमें कॉमन तो नहीं है बट ये लिखा नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा रहे, क्योंकि हमें केवल ए के अकॉर्डिंग देखना है जो ए में आपके एलिमेंट मौजूद हैं, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा, केवल 2। अब हम इसमें चलते हैं, ए माइनस बी आपका डिफरेंस निकालना है, तो ए में क्या है 1, 2, 3, 5 और 7, बी में क्या है 2, 3, 4, 5 और 7। पहली चीज़ इसमें क्या करें, कॉमन को नहीं लिखेंगे, कॉमन वाले हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, 2 और 3 निगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से 5 और 5 आपका निगलेक्ट हो जाएगा, क्या बचा 1, नेक्स्ट 7, ठीक, सॉरी मार्कर 1 और 7, ओके। 6 वाला नहीं आएगा क्योंकि ये ना तो कॉमन है, लेकिन ये आपका ए में नहीं है, ए के ही एलिमेंट हम लिखेंगे ए माइनस बी में। नाउ बी माइनस ए में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, प्रोसेस वही रहेगा, बी के एलिमेंट लिखे जाएंगे ए के जो ए में आपके नहीं होंगे, इसमें भी कॉमन वाले आपके कट जाएंगे, 2, 3 और 5 अगेन कट जाएगा, क्या बचा आपका 4 और 6। नाउ अभी हम देखते हैं कि नल सेट क्या होता है। नल सेट, उसको हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं या वॉइड सेट बोल सकते हैं, यानी कि कहने मतलब है खाली, रिक्त स्थान, कुछ भी नहीं होता उसमें, नल का अंदर कुछ भी नहीं। इसको डिनोटेड करते हैं फाई से, अदरवाइज कर्ली ब्रेसेस को हम ऐसे ही ओपन क्लोज करके छोड़ देंगे, अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें नल सेट डिफाइन करना है। नल सेट होता है ऐसे कि मान लो कि एक सिंपल सा लेते हैं, ए में वैल्यू आपके 1, 2, 3, 4, 5 ना, बी में आपका 6, 7, 8 है, ठीक है। तो जब हमने इंटरसेक्शन इनका किया, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, तब हमने क्या किया, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब कॉमन देखते हैं हम, इन दोनों में कोई कॉमन है, कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो क्या बचा हमारा 0, यानी कि कुछ भी नहीं है, तो ये नल सेट हो गया। इसको हम नल यानी कि कर्ली ब्रेसेस से या फाई से डिनोट करते हैं बस। सो क्लास, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, सेट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने ऑपरेशन मुख्य पढ़े हैं आपके, पहला ऑपरेशन पढ़ा हमने यूनियन का, दूसरा ऑपरेशन हमने पढ़ा है इंटरसेक्शन, थर्ड पढ़ा था प्रोडक्ट,
फोर्थ वन आपका डिफरेंस, और फाइव वाला कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इनको आप लोग देखिए और पढ़िए, फिर जो कुछ अगर कोई क्वेरी होती है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। ओके, बाय क्लास।